स्टूडेंट्स, मैं सबसे पहले आपको टॉपिक पे ही लेकर चलता हूँ। देखिए, मैंने क्या किया था कि कल पिछली क्लास में मैंने आपको होमवर्क दिया था कि जितने भी सोडियम से लेके आपके कैल्शियम तक के मेटल्स हैं उनके आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स की संख्या भी बतानी थी आपको, और साथ ही साथ उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी बताना था। तो वो चीज़ें मैंने बताई थी आपको, साथ ही साथ मैंने जो है हाइड्रोजन से लेके जितने भी आपके कैल्शियम तक के मेटल्स हैं, एलिमेंट्स हैं, उनके बारे में, उनके जो एटॉमिक नंबर है और मास नंबर है, उनके बारे में डिटेल में आपको समझाया था। देखिए, आज की क्लास में हम लोग यही पढ़ेंगे। मैं आपको जो है आगे की तरफ ले चलता हूँ, 21 से 30, यहाँ तक 1 से लेकर 30 तक के एलिमेंट्स की एटॉमिक नंबर और मास नंबर तो याद होना बहुत ही अनिवार्य है आपके लिए, बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि यहाँ से हर साल मतलब कि SSC के एग्ज़ाम में, रेलवे के एग्ज़ाम में जो है बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए, डेफिनेटली हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं। सबसे पहले 21 मेटल्स जो है इसका नाम है स्कैंडियम, 22 है टाइटेनियम, 23 है वैनेडियम, 24 है क्रोमियम, 25 नंबर पे आपका मैग्नीज जाता है, 26 पे आयरन जाता है, 27 पे कोबाल्ट जाता है, 28 पे निकिल जाता है, और 29 पे कॉपर, और 30 पे जिंक होता है। तो ये सिक्वेंस है आपका 21 to 30 तक। देखिए, यहाँ पे सिंपली बस मल्टीप्लाई हुआ, डबल 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 सिंपल मल्टीप्लाई है, कॉपर को छोड़कर कॉपर में 29 का 59 हो गया है, ये बात आपको याद रखनी है। तो ये इसका मास नंबर था, यानी कि परमाणु भार, और ये इसका परमाणु क्रमांक है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करते हैं, ये बात मैंने आपको पिछली क्लास में बताई थी, लेकिन मैं फिर से बताना चाहता हूँ। देखिए, सबसे पहले हमारे पास जो है न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस यानी कि न्यूक्लियस जिसे हम केंद्र कहते हैं, ठीक है, और मतलब नाभिका कहते हैं, नाभिका के चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाते हैं। तो ये के सेल हो गई आपकी, और दूसरी सेल का नाम हो गया एल सेल, और तीसरी सेल का नाम हो जाएगा एम सेल, सॉरी टू से दिस, ये वाली सेल रहेगी, तीसरे का नाम है एम सेल, और चौथी वाली सेल्स का नाम हो जाएगा क्या, एन सेल। तो हमने इसका मान 1, इसका मान 2, इसका मान 3 और इसका मान 4, यानी कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल इक्वल टू, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इक्वल टू 2n स्क्वायर कर देंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, 2n स्क्वायर, ठीक है। तो 2n स्क्वायर कर दोगे तो क्या हो जाएगा ये आपका, देखिए नंबर ऑफ ऑर्बिटल की बात करें यहाँ पे, नंबर ऑफ ऑर्बिटल तो 2n स्क्वायर आपको मैंने बताया है, 2n स्क्वायर से आप निकाल सकते हैं। तो हम लोग कहते हैं क्या है कि अब इससे के सेल्स का मान मैं आपको बता दूं, 2 आ जाएगा, एल का 8 आ जाएगा, और एम का 18 आ जाएगा, और एन का कितना आ जाएगा आपका, जोड़ सकते हो 2, 8, 18, 32 ऐसे आ जाएंगे, और भी सारे निकाल सकते हो आप लोग। तो करना क्या है हमें, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो करें कैसे, देखिए करेंगे ऐसे कि सबसे पहले हम लोग न्यूक्लियस, ये जो आपका नाभिका है वो बना लेंगे, पहली सेल के सेल, के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम, और एल सेल में 8 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम, 8 कर लेते हैं एल सेल में, देखिए 2, 8, 10 हो गए। अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ पे लिखते चलिए, के में 2, इसमें 8, तीसरे वाले में मैं आपको एक रूल बताना चाहता हूँ कि तीसरे वाले में जब 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो चौथे वाले इलेक्ट्रॉन्स में यानी कि एन सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स भेज जाते हैं, और जो 2 इलेक्ट्रॉन्स एन सेल में पूर्ण हो जाते हैं तो एल यंग सेल वाले में, एम सेल वाले में फिर 18 तक इस इलेक्ट्रॉन्स को भरा जाता है। तो देखिए, जब स्कैंडियम की बात करें तो यहाँ पे 21 है, इसका मतलब कि 2, 8, 10 हो गया, हमारे पास अभी 11 भरने हैं। तो देखिए, तीसरे वाले में जब हमने क्या किया, 8 भरा, तो 2, 8, 10, 1, 18 हो गया 18, इसके बाद जब इसमें 2 भरेंगे तो ये 20 हो गया हमारे पास। अब जब 20 हो गया हमारे पास तो हमें स्कैंडियम तक जाना है, तो 2 जब आप चौथे वाले में 2 इलेक्ट्रॉन भर लेते हो तो तीसरे वाले में जब चौथे वाले से इलेक्ट्रॉन्स बेसी होंगे तो वो तीसरे वाले कक्ष में आएंगे, यानी कि यहाँ पे जो है 9 आ जाएगा, और इस तरह से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपका 2, 8, 9, 2 हो जाएगा स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी आई होप। अब डायग्राम को भी आप ऐसे बना लोगे, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की संख्या दिखा दी है, 4, 5, 6, 7, 8 एक आठ और डाल दो, ठीक है, और इस वाले में 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें डाल लेने, तो इस तरह से आपको ये करना है डायग्रामेटिक्स। तो देखिए यहाँ पे जब 2, 8, 9, 2 इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गए, इसी तरह अब आपको यहाँ पे करते जाना है 2, 8 इसको 18 तक भरना है, 10 हो जाएंगे यहाँ पे, देखिए जोड़ते जाइए आप इसको, 2, 8, 11, 2
ग्यारह दो तेरह, तेरह दस तेईस हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। दो आठ बारह, दो दो आठ तेरह, दो दो आठ चौदह, दो दो आठ पंद्रह, दो दो आठ सोलह, दो दो आठ सत्रह, दो और दो आठ अठारह, दो। तो इस तरह से आप जो है जिंक तक के सारे एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं बहुत ही आसान से तरीकों के साथ और प्रॉपरली कर सकते हैं। देखिए कैल्शियम का भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ, पोटेशियम और कैल्शियम का मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बता देना चाहिए। यहाँ इसका 19 हो जाएगा, इसका 20 हो जाएगा, 40 और इसका 90, 39 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 8, फिर इसके बाद क्या हो जाएगा 8, फिर 1, यहाँ पे इसका हो जाएगा 2 8 8 और 2। ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी की बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो ये इसलिए मैंने यहाँ पे इसको नोट करा दिया। सो आई होप स्टूडेंट ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो आप इसे लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप में। तो आज की क्लास में इतना ही, और बाकी क्लासेस में आपको जो है मतलब मैंने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के जितने पोर्सन है उनको कम्प्लीट करा दिया है। सो इन्जॉय करिए।